ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। अभी दिखा रहे चलो। ये क्वेश्चन आज सेंड किया था ना, ये पहले भी सेंड किया था, 21 नंबर वाला रह गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 3 एंड पर यूनिट प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इज 4/2 रेस्पेक्टिवली, इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर गिव रीजन। क्या उपभोक्ता संतुलन में है, बताओ। उपभोक्ता दो वस्तु उपभोग कर रहा है, एक्स और वाई। एम आर एस दिया है, एम आर एस का मतलब है ये कौन से थ्योरी में आएगा, यूटिलिटी में आएगा क्या इंडिफरेंस कर्व में आएगा। अगर एम आर एस दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि ये इसमें आता है, इंडिफरेंस कर्व में आता है। ठीक है, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है। तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि है या कि नहीं इक्विलिब्रियम में, संतुलन में ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग संतुलन का फॉर्मूला क्या होता है, संतुलन का जो संतुलन की जो दशाएं हैं, शर्तें हैं, वो क्या होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको करना है। अब ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी सॉरी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द एम आर एस, व्हेन एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, ये शर्त होती है। तो हेयर एम आर एस एक्स वाई कितनी है, एम आर एस एक्स वाई इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 3 एंड पर यूनिट प्राइस ऑफ एक्स इज रुपीज 4 एंड पर यूनिट प्राइस ऑफ y is 2, तो एम आर एस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर ये एम आर एस एक्स वाई नहीं हो रही है, ज्यादा हो एम आर एस एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इट मीन्स ऑन इंडिफरेंस कर ही इज अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब वो है वो संतुलन बिंदु के ऊपर कहीं पे है, या ई पर नहीं है, ई के ऊपर है कहीं पे, तो क्या करेगा, he will consume more of good x and less of y, he will substitute good x for y, वह y के बदले x का उपभोग बढ़ाना शुरू करेगा, and when he go on consuming good x, his MRS xy will fall and at one level it will become equal to px upon py, ये जो एम आर एस एक्स वाई है ये कम होना शुरू हो जाएगी जब वस्तु एक्स का उपभोग बढ़ाया जाएगा, और फिर कम होते एक टाइम ऐसा आएगा जब एम आर एस एक्स वाई ये बराबर हो जाएगी पी एक्स अपॉन पी वाई के। और जैसे ही ऐसा होता है तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा।
द कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम एंड ही विल स्टॉप द कंसम्पशन, और वो रोक देगा. आप किसी को कुछ और कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन? जिसका कोई क्वेश्चन है वो बोले. जितने चैप्टर अभी तक हुए हैं सब में से जिसको कुछ पूछना है बताएं. कुछ नहीं पूछना है किसी को? ओके, तो ये व्हाट इज मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस की दृष्टिवरीयता का अर्थ क्या होता है? जो भी बताएगा उसका हम नाम नोट करते रहते हैं, ठीक है? What is meant by monotonic preference? एक दृष्टिवरीयता का अर्थ क्या होता है? जिसको आता है वो बताए. लोकेन बताओ कुछ. लोकेन, खुशबू, अग्नि, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स द कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स और गुड वाई देन ही विल गेट मोर टोटल सेटिस्फेक्शन. अगर उपभोक्ता ज्यादा उपभोग कर रहा है तो उसे कुल संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होगी. हिज मार्जिनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड विल फॉल, बट ही हैज नॉट रीच टू नेगेटिव सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी गुड. किसी भी गुड में, किसी भी वस्तु में ऋणात्मक उपयोगिता तक नहीं पहुंचा है. उसका जो उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी कोई भी अगर गुड कंज्यूम करे, एक्स और वाई जो भी कॉम्बिनेशन मिले. सो द कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर टू सच कॉम्बिनेशन वेयर ही इज गेटिंग मोर ऑफ एट लीस्ट वन गुड विदाउट मिस मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ एट लीस्ट वन गुड विदाउट सेक्रीफाइंग विदाउट लोवरिंग एनी यूनिट ऑफ सेकेंड गुड. अगर उपभोक्ता विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है, एक्स और वाई के या कोई भी गुड है, तो अगर उसे ऐसा कोई बंडल मिलता है, ऐसा कोई संयोग मिलता है जहां पर उसे पहले से ज्यादा इकाइयां मिले दोनों वस्तुओं की, या कम से कम एक वस्तु की ज्यादा इकाई मिले और दूसरी वस्तु की इकाइयां कम ना होने पाए, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोग को प्रेफर करेगा क्योंकि वहां पे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. हमेशा कंज्यूमर चाहेगा कि अपना कंसम्पशन बढ़ाए. सी द क्वेश्चन नंबर 10. दसवां क्वेश्चन सबको दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बोल दे. क्वेश्चन नंबर 10. इफ अ कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैन सी बी इनडिफरेंट बिटवीन बंडल्स 10, 8 and 8, 6. अगर कोई भी उपभोक्ता एक दृष्टिवरीयता रखता है तो उसे अगर दो संयोग दिए जाए 10 और 8 और दूसरा 8 और 6, तो क्या वो इंडिफरेंट रहेगा? मींस
satisfaction from first bundle is equal to satisfaction from second bundle to the consumer. क्या उपभोक्ता को पहले संयोग और से जो भी संतुष्ट मिल रही है वह दूसरे संयोग की संतुष्ट के स्तर के बराबर है, ये हमको बताना है, ठीक है. If he is monotonic preference means he will get more satisfaction when he is consuming more of both goods. अगर उपभोक्ता एक दृष्टि वरीयता रख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जब ज्यादा उपभोग करेगा किसी भी वस्तु का तो उसे ज्यादा कुल उपयोगिता ज्यादा मिलेगी. तो कैसे ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहेगा? मोनोटोनिक से क्या मतलब कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तटस्थ नहीं रहेगा दोनों में, क्योंकि यहाँ सेकेंड बंडल में तो उसे कम मिल रहा है, दोनों चीजें कम मिल रही है. फर्स्ट बंडल में ज्यादा मिल रहा है तो फर्स्ट बंडल प्रेफर करेगा अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस है तो, ठीक है. तो द कंज्यूमर विल चूज फर्स्ट बंडल, द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ऑफ फर्स्ट गुड 8 ऑफ सेकेंड गुड he will choose because he is getting more units of both good, so he will get more satisfaction. दोनों इकाइयों की वो मतलब दोनों वस्तुओं की वो ज्यादा इकाइयां प्राप्त कर रहा है 10 और 8 वाले कॉम्बिनेशन में, तो वह इसी को चुनेगा. Now question number 11, 11वां क्वेश्चन देखो. Suppose a consumer's preference are monotonic, what can you say about her preference ranking over the bundles 10-10, 10-9 and 9-9. अगर मान लो कोई उपभोक्ता मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब एक दृष्टि वरीयता रखता है, किसी भी उपभोक्ता की जो प्रेफरेंस है एक दृष्टि वरीयता वाली है, तो अब उसे ये तीन जो बंडल हैं 10-10, 10-9 और 9-9, ये तीन जो कॉम्बिनेशन है इनको प्रेफरेंस की रैंकिंग में मतलब फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक देना है, इसमें ऑर्डिनल नंबर वाले अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्डर देना है, क्रम देना है. तो कैसे उपभोक्ता की प्रेफरेंस होनी चाहिए? 10-10, 10-9 और 9-9 तीन कॉम्बिनेशन है. तो द कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वेयर ही इज कंज्यूमिंग मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स. जहां पर उपभोक्ता को सबसे ज्यादा दोनों वस्तुओं की इकाइयां मिल रही है उसे सबसे ज्यादा संतुष्ट वही मिलेगी. तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 10-10, 10-10 पर. तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर विल बी 10-10, 10 ऑफ फर्स्ट गुड, 10 ऑफ सेकेंड गुड. एंड सेकेंड प्रेफरेंस विल बी 9-9 इज द लोवेस्ट. सेकेंड प्रेफरेंस विल बी 10-9, 10 ऑफ फर्स्ट गुड, 9 ऑफ सेकेंड गुड. दूसरी जो प्रेफरेंस है, दूसरी वरीयता है, वो देगा 10 और 9 वाले कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे तो 10 एक ज्यादा है पहले वाले की, तीसरे वाले कॉम्बिनेशन की अपेक्षा. एंड 9-9 विल बी थर्ड प्रेफरेंस. तो 9-9 है उसकी ये तीसरी प्रेफरेंस हो जाएगी, तीसरी वरीयता, क्योंकि इसमें दोनों इकाइयां कम हो गई थर्ड वाले में. सेकेंड वाले में फर्स्ट वाली जो यूनिट है, फर्स्ट गुड की यूनिट है, वो ज्यादा है थर्ड से. सेकेंड वाली तो बराबर है लेकिन फर्स्ट वाली ज्यादा है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो हमको मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन, ये बेटर रहेगा. और फर्स्ट वाला तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है. अब ट्वेल्थ वाला भी ऐसे ही है. अब इसमें किसी को प्रॉब्लम अभी तक जितना बताया है उसमें किसी को दिक्कत आ रही है? कोई क्वेश्चन किसी को? व्हाट इज मीन बाय रैशनल कंज्यूमर? रैशनल कंज्यूमर ये बार बार आता है, डिमांड वाले में भी आएगा. रैशनल कंज्यूमर का अर्थ क्या होता है? विवेकपूर्ण उपभोक्ता, इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आता है बोल दे. अवनी बोलो. जिसको आ रहा है बोले, जल्दी बोलता रहे. सौरभ उमेश बोलो. सौरभ उमेश में से जिसको आता है. रैशनल कंज्यूमर इज दैट कंज्यूमर हु कैन जज हिज सेटिस्फेक्शन, हु कैन
make comparison between the satisfaction from different goods. ऐसा व्यक्ति ऐसा उपभोक्ता जो अपने संतुष्ट के स्तर को जज कर सके, माप सके, या अलग अलग वस्तुओं से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उन सेटिस्फेक्शन को उन उपयोगिताओं के बीच में तुलना कर सके, ठीक है, वो होता है रैशनल कंज्यूमर, विवेकपूर्ण उपभोक्ता या विवेकशील उपभोक्ता. व्हाट इज मीन बाय इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व का अर्थ क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का अर्थ क्या होता है? बार बार हम बता चुके कई बार. व्हाट इज मीन बाय इंडिफरेंस सेट? तटस्थता समूह क्या होता है? तटस्थता वक्र क्या होता है? जब दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन मिले. हाँ, ऐसे दो वस्तुओं के मध्य बनने वाले ऐसे सारे संयोगों का समूह जो किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करे, वो होता है, उस समूह को बोलते हैं तटस्थता समूह या उदासीनता समूह. और ये वक्र क्या होता है? वक्र कौन बताएगा? वक्र कौन होता है, क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस बिटवीन टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर. दो वस्तुओं के मध्य बनने वाले ऐसे सारे संयोग जो किसी उपभोक्ता को समान संतुष्ट का स्तर प्रदान करे का रेखा चित्री प्रदर्शन तटस्थता वक्र कहलाता है. अगर समूह को समूह में दिखाए तो वो समूह हो गया, और जब रेखा चित्र में दिखाए तो वो तटस्थता वक्र हो गया. तो कैन टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? नो सर. तू करो कैसे? ये आंसर सब लोग लिख के दिखाओ, ये वाला सब लोग लिखो, दो मिनट के अंदर लिख के हमको दिखाओ, इमेज भेजो प्रूव करके, ठीक है, दो मिनट में. दो इन ग्राफ हमको बताओ, ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद हमको उसको बताओ इसमें क्या हो रहा है ग्राफ में. जल्दी बनाओ, जल्दी, दो मिनट होने वाले, एक मिनट हो ही गया. ग्राफ हमको बना के भेजो जिसमें प्रूव हो कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं. बन रहा है किसी से? जिससे बन रहा है वो बताएं.
सबको दिख रहा है ग्राफ ना? See here, on x-axis units of good x are given, on y-axis units of good y are given. x-axis पर x वस्ती इकाइयां, y-axis पर y वस्ती इकाइयां दिया है. IC1 is first curve and IC2 is second curve. IC1 जो है वो पहली वक्र है, IC2 दूसरी वक्र है. Point A where IC1 and IC2 are intersecting each other. Point A पर, बिंदु A पर IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे को काट रही हैं. So now on indifference curve 1, पहले हम indifference curve 1 पे देखते हैं. So there are two points on indifference curve A and B. As we know that all combination on one indifference curve provide equal level of satisfaction, so combination A and combination B will provide equal level of satisfaction to the consumer because both are on first indifference curve. ये हमें पता है कि एक तटस्थ वक्र पर जितने भी समूह होते हैं वो किसी भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं. तो यहाँ पे पहले जो तटस्थ वक्र है IC1, इस पर A और B दो बिंदु हैं. अब इन दोनों बिंदुओं पर जो भी संयोग है उपभोक्ता को वहां पे समान संतुष्टि का स्तर मिलना चाहिए. इन द सेम मैनर IC2, ऑन IC2 देयर आर टू पॉइंट्स A एंड C. Both should provide equal level of satisfaction to the consumer. ऐसे IC2 में A और C ये दोनों combination जो है इनसे भी समान संतुष्टि का स्तर प्रदान होना चाहिए, मिलना चाहिए उपभोक्ता को. So from these two equation, equation one and equation two, ये दोनों जो equation बन गए हैं, पहला equation और दूसरा equation, इन दोनों equation के according, from इन दोनों समीकरणों के अनुसार, we can see that B and C should also be equal. When B is equal to A and C is equal to A, both are equal to A, so B and C should also be equal. जब हम देख रहे हैं कि पहले वाले समीकरण में B बराबर A है, दूसरे वाले में C बराबर A है, तो B और C आपस में भी बराबर होने चाहिए. Means this equation should also be satisfied. यह जो समीकरण है ये भी संतुष्ट होना चाहिए. B must be equal to C. B C के जरूर बराबर होना चाहिए. But हम here we see that a combination B, how much units of the consumer is consuming, let it x1. इसको हम x1 कर लिए. तो combination B पे कितनी इकाइयां उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है, ok of good y and ox1 of good x. पहले संयोग में उपभोक्ता y बस की ok मात्रा और x बस की ox1 मात्रा कंज्यूम कर रहा है. एंड ऑन कॉम्बिनेशन c लेट इट x2, दिस पॉइंट इज x2. सो ऑन कॉम्बिनेशन c द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग O K units of good y and O x 2 units of good x. Combination C पर, संयोग C पर उपभोक्ता y वस्तु की O K मात्रा को उपभोग कर रहा है और x वस्तु की O x का. O K and O K both are equal, but O x 1 is less than O x 2. O x 1 जो है O x 2 से कम है. ओके okay, तो बराबर है. वाई वस्तु तो उतनी कंज्यूम की जा रही दोनों कॉम्बिनेशन में. ऑन बोथ कॉम्बिनेशन द कंसम्पशन ऑफ वाई इज सेम बट द कंसम्पशन ऑफ एक्स इज चेंज. एक्स वस्तु का वो बदल गया है. हियर व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स, सो ही विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गुड एक्स. जब वो एक्स से ज्यादा संतुष्ट प्राप्त, ज्यादा उपभोग कर रहा है एक्स, तो उसे संतुष्टि भी ज्यादा मिलेगी. इट मीन्स बी एंड सी are not equal. Combination satisfaction from B is not equal to satisfaction from C. B or C का
जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर नहीं है. इट मीन्स देयर इज सम, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट करेक्ट इन दिस ग्राफ. इस ग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, यानी कि ग्राफ को आपस में काटना नहीं चाहिए था. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये करेक्ट नहीं है, यही प्रूव करना था. इसी सब चीजों को जो हमने बताया है बोल के इसको लिख के दिखाना भी पड़ेगा एग्जाम में. अब आगे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं. बोलो, कितने लोगों के पास बुक नहीं है? जिनके पास बुक नहीं है वो रेज हैंड करें. स्क्रीन टच करते हो तो थ्री डॉट दिखती है, थ्री डॉट में जाओगे तो रेज हैंड वाला एक ऑप्शन है. ठीक है, नीचे से तीसरे नंबर पे बताओ, जिसके पास नहीं है तो वो रेज हैंड करे. बताए, सबके पास बुक है? बुक से देख के बताया करो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा करो. Why indifference curve slope downwards from left to right? तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों जाता है? बाएं से दाएं जाता है नीचे की तरफ ऐसे. इस तरह जाता है, दिख रहा है? दिख रहा है? इसको ना दिख रहा है तो बताए, ऐसे जाता है, ऐसे क्यों जाता है? एमआरएस घटने की वजह से. हाँ, एमआरएस घटने की वजह से तो ये कॉन्वेक्स होता है, उसकी वजह से तो कॉन्वेक्स होता है, वो दूसरी चीज हो गई. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है ये बताओ. आप उस पेन पटेल बताओ. बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. हाँ, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. इफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग कंसम्पशन ऑफ वन गुड देन हिज सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीज. एंड इफ वी वांट दैट देयर शुड बी इनडिफरेंस मींस द कंसम्पशन शुड बी इनडिफरेंस कंसम्पशन शुड बी कांस्टेंट सॉरी सेटिस्फेक्शन शुड बी इनडिफरेंस सेटिस्फेक्शन शुड बी कांस्टेंट on every level then we have to decrease the consumption of second good. जो एक दृष्टि वरीयता है उसकी वजह से होता है. अगर हम एक वर्ष का वो बढ़ाएंगे, एक वर्ष की ज्यादा इकाइयों का उपभोग करेंगे तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिलेगी. और इंडिफरेंस कर्व में तटस्थ वक्र में हमें समान संतुष्टि का स्तर दिखाना है. अब समान रखने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ से बढ़ रहा है सेटिस्फेक्शन तो दूसरी तरफ से कम करना पड़ेगा, यानी दूसरे गुड का कंसम्पशन कम करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए एक तरफ ऊपर से रहती है तो दूसरी तरफ नीचे जाती है, निगेटिव स्लोप रहता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, गुण में विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? सर, यह कभी इंटरसेक्ट नहीं होती. सही है. और सर ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होती है. और सर और ओरिजिन कॉन्वेक्स होती है. ठीक है, इसके पहले पुष्पेन पटेल बोल रहे थे ना. ये कॉन्वेक्स क्यों होती है ओरिजिन की तरफ, मूल बिंदु पर उन्नतोदर क्यों होती है? अभी इसका आंसर किसी ने बताया था. सर एमआरएस की वजह से. सर एमआरएस की वजह से, लेकिन एमआरएस में क्या वजह है? एमआरएस तो समझ गए. डिक्लाइन होती है. डिक्लाइन होती है, एमआरएस डिक्लाइन होने की वजह से. ठीक है, एमआरएस जो है डिक्लाइन होती, कम होती है, इसलिए होता है.
एंड कैन इंडिफरेंस कर्व टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या ये तटस्थ वक्र एक्स वक्र एक्स अक्ष और या वाई अक्ष को स्पर्श कर सकता है? नो सर, नहीं कर सकता है। तो व्हेन कैन बजट लाइन चेंज, बजट लाइन कब बदल सकती है, बजट रेखा कब बदल सकती है? सर जब अपनी इनकम चेंज हो जाए सर, या बढ़ जाए या घट जाए। ओके, तो और कब बदल सकती है? Prices of goods change. हाँ, prices of goods change हो या income consumer की change हो तब, ठीक है। तो when will the budget line shift routeward? दाएं तरफ का budget line जो है shift करेगी। Shift का मतलब वो खिसकाव करेगी, पूरी की पूरी budget line दाएं तरफ का चली जाएगी। When income increases, income increases, and when will the budget line shift backward? पीछे की तरफ कब shift होगी? When income is decreases, when income is decreasing, okay. If the consumer's income becomes hawk and the prices of both goods also become half, consumer ki income upbhokta ki aay bhi aadhi ho jaye aur dono vastu ki keematein bhi aadhi ho jaye, tab indifference curve mein kya change aayega jisse hum puchhenge ab ye wo batayega, theek hai, hum naam leke hum batayenge. Ajay aur Vinay, इन दोनों में से जिसको आता है बताएं। उपभोक्ता की आय भी आधी हो गई, कीमतें भी आधी हो गई, तब क्या चेंज आएगा? सर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कौन बताया है, कौन बोला था? विनय, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट एवर इफेक्ट whatever in was there of income that was removed by the change in price, jo bhi income ka effect tha, income ka prabhav tha, kam hone ka prabhav tha, wo pura ka pura jo hai kimat mein kam hone ke prabhav ne kaat diya, same ratio mein dono jagah change aaya, isliye koi farak nahi pada. Okay, acha ye jo log jitne log isme join kar liye, जिनका अभी वेरिफिकेशन ना हुआ हो, ठीक है, वो वेरिफिकेशन करेंगे और ध्यान से करेंगे, कुछ भी पढ़ के जो भी काम कर रहे हैं जो एक बार पढ़ लेंगे पूरा, तब वो कुछ भी जो भी करेंगे वो करेंगे. और एक चीज और है, जो लोग इससे साइन आउट कर देते हैं, एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद साइन आउट कर दिया, तो साइन आउट होने के बाद एक मैसेज फिर पहुँचता है, मतलब कोड पहुँचता है ऑथेंटिकेटर वाले ऐप में, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में, ठीक है. तो फिर साइन आउट करने के बाद फिर वैसे ही हमको जब वो कोड लेने जाना है तो बैक वाला नहीं क्लिक करना है, सीधे हमें होम पे जाना है, फिर कोड देखना है, उसके बाद फिर टीम्स में आना है और कोड डालना है. अगर बैक वाला ऑप्शन किसी ने किया तो जितने बार वो दोबारा ऐप को खोलेगा उतने बार नया कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है. और जो चीज़ ना पता हो तो उसमें छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्लास 12, क्योंकि इसके जितना माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक है वो बहुत सारे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं सबसे इसी आईडी सब खुल जाती है. तो जो जिसके बारे में नहीं पता है तो वो चीज़ें मत खोलना, जो ज़रूरी है काम क्या है वही खोलना. बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं, कुछ चीज़ें जो उसमें भी दिखती हैं इस एप्लीकेशन में भी नीचे दिखेंगे, जब मोर वाला ऑप्शन चुनेंगे जब सबसे पहले शुरुआत में पहुँचते हैं. और कुछ वेबसाइट से खुलती हैं, मतलब वेबसाइट का मतलब जो होता है क्रोम ब्राउजर वगैरह उनसे खुलती हैं, तो इसलिए उन पे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में साइन इन करने में. और पूछो जिसको प्रॉब्लम है कोई, कुछ पूछे.
what will happen if MRS XY is less than PX upon PY? How will the consumer reach to his equilibrium again? अगर एम आर एस एक्स वाई कम है पी एक्स बटे पी वाई से तब क्या होगा, उपभोक्ता कैसे दोबारा अपने संतुलन पर पहुंचेगा? वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा और एक्स का घटाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी तो हमने कहा कि एम आर एस एक्स वाई, कभी कभी क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना समझना, कभी कभी ऐसा होता है एम आर एस एक्स वाई की जगह एम आर एस वाई एक्स दिया होता है। ठीक है, क्या दिया रहता है? एम आर एस वाई एक्स, एम आर एस वाई एक्स इज डिफरेंट। इफ इन द क्वेश्चन एम आर एस वाई एक्स इज गिवेन देन एम आर एस वाई एक्स means it is the yx, it is the ratio between delta x upon delta y। ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, delta y upon delta x नहीं हुआ है, ये delta x upon delta y हो गया। अगर y को पहले लिख दिया और इसके बाद में, इसका मतलब x के बदले y की सीमांत प्रतिस्थापन दर, x के बदले y की सीमांत प्रतिस्थापन दर, y के बदले x की नहीं, x के बदले y। ठीक है, तो x को सेक्रीफाई कर रहे हैं, y को हम गेन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, x माइनस में जा रहा है, तो इसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इफ एम आर एस वाई एक्स इज लेस देन पी वाई अपॉन पी एक्स, अब रेशियो ऐसा कीमत के हिसाब से दिखाएंगे तो अब ये रेशियो बनेगा पी एक्स अपान पी वाई से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये किसका कंसम्पशन बढ़ाएगा, अब बिल्कुल उल्टी सिचुएशन चलेगी, जैसे पहले चल रहा था उसका अपोजिट जाएगा। ठीक है, यानी x का बढ़ाएगा y का काम करेगा। और पूछो कुछ, किसी को पूछना है? जल्दी बताओ, अब ज्यादा टाइम नहीं है, जिसको कुछ पूछना है कोई भी क्वेश्चन वो बता दो। ये जो बुक के चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं इनको पढ़ो, इनमें जो ना समझ में आए पूछा करो। इसमें से किसी को कुछ पूछना है इन क्वेश्चंस में आते हैं? जिनके पास पुरानी बुक होगी पिछले साल की, जिनमें क्लास 12 लिखा होगा, उसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। इसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन इजी हैं, जो नई वाली बुक आ रही है 11th वाली, जिनमें क्लास 12 लिखा है, दो साल पहले वाली बुक में ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, यूटिलिटी एनालिसिस स्टडीज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन the consumption, on the consumption then utility can be expressed in terms of units like 2, 4, 6। utility analysis का मतलब जो उपयोगिता दृष्टिकोण, उपयोगिता दृष्टिकोण पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें था, बताया गया था कि
यूटिलिटीज को, उपयोगिता को 2, 4, 6 इस तरह की संख्या में दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑन द अदर हैंड अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इट कैन एट बेस्ट बी कंपेयर्ड। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस तटस्थता वक्र विश्लेषण बताता है कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, संख्या में नहीं दे सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, केवल उनके बीच में तुलना कर सकते हैं किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन है किसमें कम, ऐसा बता सकते हैं। दैट इट मीन दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई शुड बी डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट असम्पशन। क्या इसका मतलब ये है कि हम जैसे यूटिलिटी एनालिसिस वाला यूज कर रहे हैं या फिर इंडिफरेंस कर्व वाला एनालिसिस यूज कर रहे हैं, अगर दो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो दोनों में क्या अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा, अलग अलग होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, बात वही है, दोनों अलग अलग कहने का तरीका है। यूटिलिटी एनालिसिस मेजर्स द सेम थिंग इन डिफरेंट वे एंड इंडिफरेंस का एनालिसिस मेजर्स द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। उनका तरीका अलग है लेकिन संतुलन एक ही है। ठीक है, दोनों अलग अलग ढंग से कंज्यूमर्स की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को, कोई भी? बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको बताओ कि जल्दी, जिनकी आईडी नहीं बनी है वो अपना नाम भेजे तो उनकी आईडी हम बना देंगे। ठीक है, और जो लोग का वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, वो थोड़ा बहुत दूसरे को समझा भी दें, परेशान हो रहे हैं कई लोग, वो लोग जो हैं वो नहीं भेज